हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं जर्मन शेफर्ड के दो पप्स। ये वाला है, इसका नाम है थंडर और इसका नाम है जैक। तो ये दोनों मेरे पास जो फीमेल है फ्लेक्सी, उसी के दोनों पप्स हैं। सो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, मतलब बहुत पहले से चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो आप जानते होंगे फ्लेक्सी को। तो सबसे पहली वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर डाली थी वो फ्लेक्सी की ही डाली थी, वो थी 35 डेज़ की। तो जो लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं चैनल को, उन्होंने देखी होगी वीडियो। तो इसी तरीके से वहाँ पर मैं फ्लेक्सी को लेकर उस वीडियो में खड़ा हूँ। तो उस वीडियो में मैंने बताया था जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी के बारे में, कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जर्मन शेफर्ड जो है वो प्योर है या नहीं है। तो आज दोबारा से वही वीडियो बनाने जा रहे हैं हम उसी टॉपिक पर, लेकिन इस बार मेरे साथ फ्लेक्सी नहीं है, फ्लेक्सी के ही पप्स हैं। ये हमारे साथ जैक है और ये थंडर है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई भी जर्मन शेफर्ड पप्पी किसी से भी लेते हैं, आप किसी ब्रीडर से लेते हैं या फिर किसी की भी, किसी ने कोई फीमेल रखी हुई है वो पप्स देती है वहाँ से लेते हैं, कैनल से लेते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तीन चार पॉइंट्स मैं आपको मेन बताऊँगा। तो उन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कहीं से जर्मन शेफर्ड खरीदें। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको जर्मन शेफर्ड लेते टाइम, कोई भी अगर आप पप्पी लेने जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आप 35 डेज़ से नीचे का पप्पी ना ले, मतलब 30 से 35 दिन से छोटा तो बिल्कुल भी ना ले। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 40 डेज़ के अप्रॉक्स का आपको पप्पी लेना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जर्मन शेफर्ड में देखनी है वो देखने हैं इसके ईयर्स। तो जर्मन शेफर्ड के जो ईयर्स हैं वो आप जैसे देख सकते हैं, मेरे पास अभी थंडर है तो वो आगे की तरफ होते हैं। देखिए, इसके दोनों ईयर्स जो है आगे की तरफ है। अब धीरे धीरे इसके ईयर्स जो है ये ऐसे खड़े हो जाएंगे दोनों ईयर्स, और इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, और ये ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी इसके ईयर्स ऐसे साइड में नहीं है, इसके ईयर्स आगे की तरफ है और ऐसे ये खड़े हो जाएंगे। सो आपको इसके ईयर्स पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा हाथ आप इसके ईयर्स पर ना फेरें, क्योंकि इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फिर जो इसके ईयर स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो आ सकती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जर्मन शेफर्ड के जो ईयर्स हैं लगभग 5 मंथ्स तक लग जाते हैं खड़े होने में, उससे आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीच में ईयर्स स्टैंड हो रहे हैं, फिर नीचे चले जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो उससे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो वैसे ईयर स्टैंडिंग पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है ईयर्स। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना है। तो दूसरा पॉइंट सबसे, उसके बाद आपको देखनी है इसकी टेल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी टेल है नीचे की तरफ। सो जर्मन शेफर्ड की जो टेल है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। वो मतलब जिस टाइम पे ये वॉक करेगा या फिर ये बार्क कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी टेल ऐसे ये कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लो ऐसे, थोड़ी बहुत कर ली तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पप्पी की टेल हमेशा ऐसे रह रही है कर्ल इस तरीके से, तो वो प्योर नहीं है। उसकी टेल मतलब ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजिशन में तो नीचे की तरफ ही रहेगी, ऐसे थोड़ी बहुत कर लोगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे जिसकी परमानेंट हर टाइम ऐसे टेल रहती है, ऐसे रिंग सी बना के रखती है, कर्ल रहती है, तो वो प्योर नहीं होते। अब जैसे मैं इसको ज़मीन में रखूँगा, तो देखिए इस टाइम पे थोड़ी इसने टेल उठा ली, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऊपर की तरफ बिल्कुल अगर कर्ल रह रही है तो उससे समझ जाइए कि वो प्योर नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जर्मन शेफर्ड पप्पी जो है वो प्योर है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, वो है कलर, कि आप अपने जर्मन शेफर्ड पप्पी का कलर देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। थंडर नो। सो अगर आप कोई भी जर्मन शेफर्ड पप्पी लेने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका कलर चेक करना है। वो यहाँ से वो पूरा ब्लैक होना चाहिए, उसकी बॉडी पे, अपर कहीं पे, बैक पे, कहीं पे भी कोई भी वाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो प्योर ब्लैक होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से उसका कलर, अब ये थोड़ा मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। हाँ, कि इससे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा पॉज पे थोड़ा वाइट आ जाए, जैसे इसका देख सकते हैं आप, थंडर है मेरे साथ, ये देखिए इसके पॉज पर हल्की हल्की वाइट मार्किंग है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे पॉज वाइट हैं तो वो प्योर नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है लोगों की, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पॉज पे ऐसी थोड़ी बहुत वाइट मार्किंग आ रही है तो उसका ऐसे बिल्कुल भी प्योरिटी से लेना देना नहीं है कि वो प्योर नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्ट लाइन है उसमें भी ऐसा पॉज पे वाइट आ जाता है। नॉर्मली अगर KCI रजिस्टर्ड, आपके दोनों मदर और फादर अगर पप्पी के दोनों KCI रजिस्टर्ड हैं, उनका भी लिटर में से किसी ना किसी एक आध पप्पी के वाइट मार्किंग्स आ जाती हैं, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन एक मतलब जो हमारा वर्ल्ड चैंपियन है अभी, एक डॉग है, तो उसके भी जो फीमेल थी जर्मन शेफर्ड की जो आई, जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन थी, उसके इवन चेस्ट पे भी वाइट मार्किंग थी। सो वाइट मार्किंग से अगर यहाँ पर है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो प्योर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर
आता नहीं है। वैसे पॉज पर भी आजकल आने लगा है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कि हर किसी के ही वाइट होगा, आजकल आ रहा है नॉर्मली, तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि प्योर नहीं है। लेकिन बॉडी पे और कहीं पे वाइट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो कलर चेक किया जाता है ये होना चाहिए आपका, या तो टैन कलर हो सकता है, लाइट टैन हो सकता है, थोड़ा डार्क टैन हो सकता है। ये नहीं है कि पूरे ही वाइट है, यहाँ तक वाइट आया हुआ है तो वो प्योर नहीं है। थोड़ा बहुत वाइट मार्किंग्स आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है यहाँ तक पूरे ही उसके पॉज वाइट हैं या फिर टेल में वाइट आ गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, कलर में जर्मन शेफर्ड काफ़ी कलर्स में आता है, ब्लैक एंड टैन में आता है, ब्लैक एंड रेड में आता है, ब्लैक एंड सिल्वर में आता है, आपका थोड़ा एक सेबल कलर में भी आता है जर्मन शेफर्ड, लिवर कलर में भी आता है, तो बहुत सारे कलर्स में जर्मन शेफर्ड अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा आसानी से मिलता है वो होता है ब्लैक एंड टैन। मेरे पास भी ये जो है ये ब्लैक एंड टैन है। सो ब्लैक एंड रेड जो होता है, जहाँ पर रेड शेड होती है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे या तो टैन शेड होगी या फिर आपका रेड डार्क टैन, लाइट टैन कुछ भी हो सकता है, सिल्वर सा हो सकता है आपका थोड़ा, लेकिन ये नहीं है कि पूरे ही पॉज वाइट है। सो यही दो तीन चीज़ आपको चेक करनी है जर्मन शेफर्ड लेते टाइम। उसके ईयर्स चेक करने हैं, ईयर्स आगे की तरफ होते हैं, गैप कम होता है, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद टेल चेक करनी है आपको, कलर चेक करना है, प्लस कोट में बहुत सारे कोट्स में अवेलेबल होता है, सिंगल कोट, डबल कोट, लोग मीडियम कोट, लॉन्ग कोट, तो वो सारे उसके मैंने एक वीडियो बना रखी है और एक और मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो उस टॉपिक पर भी बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो थोड़ी बहुत भी अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।